मेरा जो टारगेट है पाम बांध ब्रिज पर रुकने का है। लुक एट दिस गाय, क्यूट ना? देखो यार, स्नो तो यहाँ मिलने से रही और इतनी सारी स्नो के बदले सॉल्ट मिल रहा है। ओ, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई, सीरियसली ट्रेन आ गई। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। सुबह के 8 बजने वाले हैं और स्टार्ट करने से पहले जर्नी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, तो चलिए बाहर का व्यू देखते हैं। तो हम आ चुके हैं बालकनी में होटल सागर की और ये करा हमने कैमरा रिवर्स 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 रिवर्स। लुक एट द व्यू मैन, दिस इज सिंपली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। लुक एट द सीन, लुक एट द ऑरा भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। लफ्ज ख़त्म हो गए हैं मेरे पास बोलने के लिए। और वो रही विवेकानंदा रॉक और साथ में ही मेरे ख्याल से एक म्यूज़ियम है उसके अंदर, और ये रही मार्केट और वो रहा एक टेम्पल, तो टेम्पल में भी आप जा सकते हैं। पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भाई भाई भाई। और यहाँ पर खड़े होकर इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, जो मन है तन है बिल्कुल तरोताज़ा हो गया सुबह सुबह। तो वही कहता हूँ मैं कि फीलिंग ऑसम वाली फील आ रही है, फीलिंग ऑसम वाली फील। उधर देखिए एक बोट भी आ रही है, क्या नज़ारा है। चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाए, बाकी सब कुछ पैक कर दिया मैंने, आके फटाफट सामान उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो इसको इसी में डाल देते हैं यार। एक्चुअली मैंने ये जो चाबी का छल्ला है निकाल लिया था क्योंकि सोच रहा था कि चल, अरे ये क्या सीन है, ये निकल ही रहा है। इसको दबा देते थोड़ा सा, अब नहीं निकलेगा शायद। ये हो गया, ये हो गया, लेट्स मूव। तो आपको घुमाते हैं थोड़ा सा कन्याकुमारी और उसके बाद पैकिंग करके निकल जाएंगे हम रामेश्वरम के लिए। मुझे लगता नहीं कि आज शाम तक मैं पहुंच पाऊंगा रामेश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम काफ़ी दूर है। तो या तो मुझे ज़बरदस्त वाली भगानी पड़ेगी बाइक। इसको लॉक कर देते फटाफट यार, चले तो सबसे पहले तो मार्केट के बीच में से निकला जाए। चलो 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 बेटा। सो ये है कन्याकुमारी की मेन मार्केट, छोटी वाली जो कि सीधा टेंपल को जाती है। मेरे ख्याल से रास्ता यहीं से है जो पीछे की साइड जाता है। तो यहीं से वो रॉक दिख रही है पूरी जो मूर्ति है। आहा, क्या नज़ारा है यार, बहुत खूबसूरत, लवली मैन, लवली। सो दिस इज द वे वेयर आई एम गोइंग। तो ये लीजिए, बिल्कुल पीछे आ गए हम, देखते हैं कि कहाँ तक जा पाएंगे। बे वॉच, हाँ मैन, देखते हैं, कोशिश करूँगा जहाँ तक ले जा पाऊँ। बाकी खींचने की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर पत्थरों में फंसा दी जाए तो वापसी लेके आऊँगा, क्योंकि आगे पत्थर ज़्यादा हैं। तो यहीं पर खड़ी कर देते हैं यार, एंड
यहाँ पर ज़्यादा ठीक है, यहाँ से मुड़ भी जाएगी शायद। हाँ, सो पहुँच गए हैं। आगे लेके जाएं क्या थोड़ा सा? लेकिन कूड़ा कितना पड़ा हुआ है यहाँ पर, अल्टीमेट व्यू है। थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, यहाँ ठीक है, इट्स द राइट प्लेस। लेकिन यहाँ से मुड़ेगी कैसे पता नहीं, थोड़ी देर में देखेंगे। गजब गजब गजब। तो भाई साहब, ये है एक प्लेस जहाँ पर कि आप अपनी बाइक लेके आ सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। और पूरा देखिए कैसा अल्टीमेट व्यू है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? To play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? Local ki help li maine, chalo ab chalte hain. Oho, aram se, patthar bahut hai yahan par. चलो भाई साहब निकल जाते हैं। अब रामेश्वरम पहुंचना है, 320 किलोमीटर है भाई। कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, लेकिन भाई बहुत रिस्की था यहाँ पर ड्रोन शॉट लेना। एक्चुअली हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो ड्रोन इधर उधर भागे जा रहा था। अमेजिंग है यार कन्याकुमारी भी, तो वंस इन ए लाइफ टाइम आना तो बनता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ATM। चल भाई, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे कलकत्ता में। चलो यार, आज की जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। सब कुछ लोड करने में लग गया मुझे आधा घंटा भाई साहब। सबसे टफ काम है ये, लोड करना और अनलोड करना। जय माता दी। चलो आज की जो जर्नी है हो गई शुरू, लेट्स रॉक एंड रोल टुवर्ड्स रामेश्वरम। तो यारों काफ़ी मज़ा आया कन्याकुमारी में। कल शाम को पहुंच गया था मैं 4 बजे के आसपास, तो शाम मैंने पूरी बीच के साइड पे बिताई सनसेट पॉइंट पर। और सुबह सनराइज़ तो था ही नहीं, एक्चुअली बादल थे तो मैं गया नहीं। फिर उसके बाद जो नज़ारे आपने देखे ही। एक बार तो ड्रोन मुझे लगा कि गया। थोड़ा सा गला भी ख़राब हो गया यार, क्या किया जाए, क्या खाया जाए। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। अरे भैया, तू घूम क्यों नहीं रही है? घूम ना। अरे घुमाओ यार, अच्छा लगता है। याद आ जाते हैं मुझे ये रास्ते 2016 में, जब मैं एक बार पहले भी आया था। आह क्या गजब का सीन है। वाओ मैन, लुक एट द सीन।
सीरियस वाली कितनी सारी पवन चक्किया है, नहीं तो एक फोटो तो बनता है क्यों? लवली प्लेस। तो जब मैं अप्रैल में आया था 2016 में, एग्जैक्ट सेम प्लेस पर रुका था और फोटो भी ली थी। तो उस टाइम ये जो प्लेस है इतना हरा भरा नहीं था, लेकिन अभी तो भाई बहुत औसम। कैमरा फुल कर दो। यस फुल पंडरा फुल कर रहे हैं। हिंदी आता है तेरे? हिंदी आता है? नहीं आता हिंदी? आता है? नहीं आता? ओके। गरम है होता कपड़ा? गरम? हाँ लगता है ना गरम। तो नाइस कपड़ा पहनने के ना? नाइस कपड़ा वो ना, वो कैसा होता है? ऐसा कपड़ा? ऐसा कपड़ा दे दो ना। नहीं ये कहाँ से दे देगा? ये तो मेरा है ना। हाँ तो अच्छा। चलो यार पानी पी लेते हैं, प्यास लगाई है। फ्री आरओ वाटर, देखा? फ्री आरओ वाटर है, फ्री में मिल रहा है, पी लो। फ्रेंड्स नमक खा लो, दिखाता हूँ यार, बहुत सारा नमक है यार यहाँ पर। और तमिलनाडु में थोड़ा सा अचंभा हो रहा है मुझे देख के, क्योंकि गुजरात में तो देखा था हमने, लेकिन तमिलनाडु में नमक बहुत है। ये देखो दिखाता हूँ, वो खड़ी मेरी बाइक और ये रहा नमक। नमक ही है ना, है? हाथ लगा के देखो कुछ होगा तो नहीं है, तो नमक ही यार। सी इट्स सॉल्ट आई थिंक। आके देखा जाएगा कुछ होगा तो नहीं। यस नमक है। तो यार वो मैंने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर, तो यहाँ से रह गया है 170-180 के आसपास। तो मेरा जो टारगेट है पामबान ब्रिज पर रुकने का है 5 बजे के आसपास, जिससे कि जो सनसेट है मैं वो कैप्चर कर पाऊँ अगर बाइक वहाँ पर लगाने देती है तो। वैसे यहाँ का नज़ारा भी यार गजब ही है। नहीं कम हियर, कम हियर, हाय, सो नाइस यार, नाइस यार, सो यू आर 4 ऑन ए बाइक, आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? दीपक। दीपक, दीपक, कंट्री? कंट्री इंडिया। इंडिया, यस। हां लेट्स गो, लेट्स गो। या यू कैन सी, हिंदी आता है? इंग्लिश आता है ना, मुझे इंग्लिश कम आता है थोड़ा। तो कुछ बच्चे मिले हैं काफी उत्सुक है। यस यस आई एम राइडिंग इट फ्रॉम दिल्ली। हाउ मेनी डेज? इट्स बीन 65 डेज। यस लुक एट दिस गाय, क्यूट ना? यस। बस बिल्कुल आगे बैठा हुआ है और मजे ले रहा है ना। एक बार से हाय बाय, चलो बाय बाय, टेक केयर, चलो चल बाय। सो
चलिए अब हम आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखते हैं, और कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं रास्ते में, है ना। ऐसा ही चल रहा है ये जर्नी, देखते हैं। है तो सही रास्ता भाई, फुल भाई अल्टीमेट है। देखो गजब, आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो पूरे नमक के पहाड़ हैं ये। आहा आहा, तो हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अरे वाह मज़ा आ गया। देखो यार स्नो तो यहाँ मिलने से रही, और इतनी सारी स्नो के बदले सॉल्ट मिल रहा है। बहुत फोटोग्राफी हो गई, चलते अब। लग रहा है ना विंटर लद्दाख। यार अगर जिसने मेरी विंटर लद्दाख वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगी। क्या जगह है, हर जगह वाइट है। आ गए मेन रोड पे, बाय बाय। तो बंधु कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे थेरीरू वैली। यो मैन। तो मज़े ले रहे हैं यार लोगों से। थेरीरू वैली था पीछे, बाकी रामेश्वरम रह गया है 86। यस ओनली 86। तो उससे पहले पड़ेगा पामबान ब्रिज। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल ब्रिज है, और जो वहाँ का नज़ारा है आप खुद देख लेना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने। इधर से ट्रेन जाती है, ये रहा रेलवे ट्रैक, और जस्ट हम पहुँच गए पामबान लीजिए। शुरू हो गया। This is amazing guys, क्या गजब की फील आ रही है, गजब की। एक बार दिखाता हूँ फटाफट, पता चले कोई आ गया तो देख नहीं पाएंगे। Oh my god, look at the scene. सूरज, क्या नज़ारा है यार, बहुत ही शानदार। और एक बार मैं आपको उधर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर अगर मौका मिला तो मैं जो मेरा कैनन G7X Mark II है उससे भी मैं दो चार वीडियोस बनाऊँगा। ये देखिए क्या शानदार व्यू है भाई साहब। कोई आ ना जाए पुलिस वाला, नहीं तो सीन हो जाएगा। मुझे लगता है नो पार्किंग है। कोई नहीं भाई साहब, देख लेंगे, आने दो, देखी जाएगी, बात कर लेंगे। यार इतना ब्यूटीफुल सीन कैसे मिस कर दे। मैं निकालता हूँ फटाफट अपना कैनन G7X Mark II और दो चार वीडियोस लेता हूँ। और यहाँ पर भाई भूल जाओ ड्रोन उड़ाना, हवा बहुत तेज़ है। एक बार मैं ट्राई करूँगा सुबह, तो वैसे धनुषकोडी जाना है मुझे, उसके बाद यहाँ पर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक ट्रेन जर्नी किसी तरीके से हो जाए। अथाह समंदर है, अथाह समंदर। सो गाइस, ओह ट्रेन आ गई भाई, सीरियसली ट्रेन आ गई। अरे गजब मैन गजब, किस्मत कितनी अच्छी है। एक बार मैं हाय कहता हूँ, जो ट्रेन का ड्राइवर है जूम करके देखते हैं। हेलो करो भाई। ओ भाई साहब कत्ल हो गया कत्ल, क्या गजब का नजारा है। यहाँ तो ड्रोन की भी जरूरत नहीं है, सी द व्यू। ओहो
अल्टीमेट भाई साहब, क्या नज़ारा है। ये है अपना इनक्रेडिबल इंडिया दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया। तो अगर आप तमिलनाडु में हैं तो ये जो सीन है ट्रेन वाला बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। हाँ, वंस इन ए लाइफ टाइम व्यू है ये, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो भैया दुपहिया से हम चार पहिए पे आ गए हैं, एटीवी चलाएंगे अब। भाई कैमरे पे आने को राजी नहीं थे, तो सोच रहे कुछ गड़बड़ हो जाएगा उनके साथ।